2020 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपका भाई आपके लिए लेके आया। कुछ ही देर पहले दोस्तों मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है आज अच्छी खबर ना आए, क्योंकि कल दोस्तों दो यहाँ पे एक सस्पेंड आता गया। एक तो दोस्तों यहाँ पे PIL डाली गई थी, मतलब एप्लीकेशन डाली गई थी दोस्तों यहाँ पे एक NGO के थ्रू के, यहाँ पे सरकार को इन्हें मदद नहीं करनी चाहिए, 20 साल का टाइमिंग नहीं देना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों ये चीज इस तरह से हो रही है, आज सुबह के वीडियो में आपने देख लिया होगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक फॉर्म है दोस्तों, ब्रोकरेज फॉर्म, जिसने ये दावा किया था अगर सरकार 20 साल का EMI सिस्टम दे देती वोडाफोन आइडिया को, उसके बावजूद भी कंपनी 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेगी, उसका ARPU बहुत कम है। लेकिन इन सारी चीजों को साइड में रखिए फ्रेंड्स, अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, 18 मार्च है आज दोस्तों, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चलने वाली थी। आज सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फटकार लगाई यहां पे कंपनियों को, उसके साथ साथ दोस्तों DOT के ऑफिशियल्स को यहां पे फटकार लगाई है। किसी भी तरह की फिलहाल राहत नहीं मिल रही यहां पे दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व पे सवाल उठ चुके हैं। क्या है दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़, किस तरह से दोस्तों यहां पे जस्टिस अरुण मिश्रा ने बड़े स्टेटमेंट यहां पे सरकार को यहां पे दिए कि 20 साल का दोस्तों ये लोगों का पैसा, ये आपका पैसा नहीं है, ये लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है। किस तरह से आप इनको सेल्फ असेसमेंट के बारे में बोल सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी कठोर टिप्पणियां यहां पे जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने यहां पे की, उसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ है दोस्तों वोडाफोन आइडिया का, और क्या दोस्तों वोडाफोन आइडिया बंद होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहिए स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं AGR वाले मैटर पे 24 अक्टूबर को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जजमेंट दे दिया था कि ये पूरा का पूरा पैसा ऑलमोस्ट 1.47 लाख करोड़ दोस्तों इन सारी की सारी 12 समथिंग टेलीकॉम कंपनीज को यहां पे देना था, उसमें सबसे बड़े दो नाम आते थे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, जिसको 90,000 करोड़ से ज्यादा यहां पे AGR का पैसा देना था। लेकिन दोस्तों यहां पे DOT ने सेल्फ असेसमेंट का नाम दिया था कि सेल्फ असेसमेंट करिए, उसके बाद में हम बताइए। तो सेल्फ असेसमेंट मैंने आपको पहले ही बोला था ये बहुत अलग मैटर पे जा रहा है, मैं आपको दोस्तों 15 दिन पहले ही बता चुका हूं कि सेल्फ असेसमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। DOT की जो फिगर है और कंपनियों की जो फिगर है उसमें जमीन आसमान का फर्क, और ये मैटर होगा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और आज दोस्तों यहां पे जैसे ही कोर्ट ने यहां पे सुना तो टुडे कोर्ट ने दोस्तों क्लियर कर दिया है दैट प्रीवियस ऑर्डर वाज क्लियर इनफ एंड नो फर्दर ऑब्जेक्शंस वुड बी अलाउ अगेंस्ट पेएबल ड्यूज। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पहले वाला जो ऑर्डर हमने रखा था वो सुरक्षित है, वैसा ही रहने वाला है, कोई भी फर्दर ऑब्जेक्शन उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन होंगे वो सुने नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ड्यूज था वो वैसा ही रहने वाला है, जो अमाउंट थी वो वैसे ही रहने वाली है। एंड आल्सो क्वेश्चंस, उन्होंने क्वेश्चन भी किया दोस्तों यहां पे सॉलिसिटर जनरल जो है दोस्तों तुषार मेहता, सेल्फ असेसमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट टीमिंग इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेल्फ असेसमेंट जो DOT ने दोस्तों यहां पे ऑप्शन दिया सेल्फ असेसमेंट का टेलीकॉम कंपनीज को, ये क्यों दिया इसके ऊपर दोस्तों यहां पे जस्टिस शर्मा ने मिश्रा ने दोस्तों क्लियर कर दिया यहां पे कि क्यों आपने सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन दिया। आपको बोला गया था कि आपको सेल्फ असेसमेंट यहां पे देना है, सेल्फ असेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जब हमने यहां पे क्लियर कर दिया ड्यूज की एक फिगर हमें बता दिए तो सेल्फ असेसमेंट देना मतलब आप यहां पे कोर्ट से ऊपर है क्या? क्लियर दोस्तों यहां पे कर दिया कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जैसा यहां पे लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सेड दैट व्हाट पब्लिक मनी व्हिच इज गोन अनपेड फॉर 20 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्लियर कर दिया ये जो पैसा था ये पब्लिक का पैसा था दोस्तों, एक आम आदमी का पैसा था जो 20 साल से इन कंपनियों ने नहीं भरा था, 20 साल तक दोस्तों इन कंपनियों ने भरा नहीं था, इसलिए बढ़ते बढ़ते पेनल्टीज और सब कुछ यहां पे लगा तब जाके इतनी बड़ी अमाउंट हुई थी। तो आपने कैसे कहा? और फिर यहां पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की दोस्तों, आज बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से यहां पे हुई है। इट आल्सो सेड दैट दिस टेलकोस वेयर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन थ्रू द मीडिया, ये कंपनियां जो है टेलीकॉम कंपनीज पब्लिक का ओपिनियन यहां पे चेंज करना चाहती है थ्रू मीडिया। मीडिया में हम भी आ जाते दोस्तों, हमारी भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, लेकिन मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है वैसा ही हम बोलते हैं, किसी भी तरह से कंपनी बच जानी चाहिए, चली जानी चाहिए, हम किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते, जो भी होता है उसको सही मामले में कह देते हैं। और रही बात चीज दोस्तों जजमेंट की, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही सबको करना पड़ता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो जो बोलता है आपको करना ही पड़ता है। यहां पे दोस्तों क्लियर बताया यहां पे कि मीडिया का पब्लिक मीडिया के थ्रू यहां पे पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश यहां पे जो कंपनी से कर रही है। DOT has ordered allow 20 years times telecom companies pay the dues amount AGR verdict installment. DOT दोस्तों प्लानिंग में था कि यहां पे 20 साल का इनको टाइम मिल जाए, 20 साल का इंस्टॉलमेंट, लेकिन इस बात को जो इनका रेस्क्यू प्लान था, जो इनको दोस्तों पूरा का पूरा प्लान था सरकार का कि इनको 20 साल का टाइम दे दिया जाएगा जो पे इनपे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा दे देंगे, उसके बारे में फिलहाल कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट हियरिंग में होगी दोस्तों फिलहाल दोस्तों। लेकिन आज जो उनको सबसे खराब यहां पे लगा दोस्तों, जजेस जो थे दोस्तों उनको सबसे बड़ा यहां पे लगा कि आपने किस तरह से यहां पे सेल्फ
असेसमेंट वाली चीज दे दी. जजेस सेड द सेल्फ रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूज मे बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एंटायर कंट्रीज बीइंग मिसलीड. मतलब रीअसेसमेंट जो आपने किया, सेल्फ असेसमेंट वाली जो आपने की जहां पे दी, ये बिल्कुल ही गलत है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा लग रहा है, उसके साथ साथ पूरी जो कंट्री है वो मिसलीड यहां पे हुई. जजेस मिस आल्सो आस्क दैट अलाउ रीअसेसमेंट ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ड्यूइंग ड्यूज एडिंग दैट सेल्फ असेसमेंट बाय डीओटी इज शेयर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड इट इज कंटेम्प्ट. यस, डीओटी को दोस्तों क्लियर यहां पे खड़े खड़े शब्दों में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दोस्तों, खास करके जस्टिस मिश्रा ने यहां पे कहा है कि आपने इनको अलाउ किया यहां पे सेल्फ असेसमेंट वाली चीज, ये एक तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. आप क्यों कर रहे, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फिगर बना दी, हम यहां पे उसले बैठे, हमने सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी, उसके बाद आप ये कर रहे हैं. और एक ये चीज भी डीओटी को बोला कि डीओटी 2019-24 अक्टूबर से पहले डीओटी खुद आगे जाके पिछले कितने सालों से लड़ रहा था कि कंपनियों को पैसा देना चाहिए, इनका पैसे पे ब्याज होना चाहिए, जीआर पे उस पे पेनल्टीज होनी चाहिए, उस पे ब्याज होना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए डीओटी ही आगे आगे जा रहा था. और जैसे ही 24 अक्टूबर को यहां पे जजमेंट आया, उसके बाद डीओटी दोस्तों बदल गया, डीओटी इनको सेल्फ असेसमेंट दे रहा. तो डीओटी को भी दोस्तों कड़े शब्दों में यहां पे जो है दोस्तों यहां पे बोला गया है. जस्टिस मिश्रा जो है दोस्तों उन्होंने यहां पे क्वेश्चन किया कि कोर्ट की प्रेस्टीज का सवाल है, कोर्ट की दोस्तों यहां पे प्रेस्टीज का सवाल है. डू कंपनीज फील दे मोर पावरफुल ऑन अर्थ, कंपनियों को ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है? दोस्तों कड़े कड़े शब्दों में निंदा की गई है यहां पे सारी चीजों की. द कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड द समन टू डीओटी ऑफिशियल्स, दोस्तों कोर्ट ने समन भी यहां पे जारी किया है डीओटी के उस ऑफिसर के लिए जिसने यहां पे सेल्फ असेसमेंट के लिए यहां पे कंपनियों को कहा था, यस सेल्फ असेसमेंट के लिए. और ये क्लियर कर दिया कि वी वुड नीदर पे डीओटी और द टेलीकॉम कंपनीज, हम यहां पे ना तो डीओटी को बख्शने वाले हैं ना टेलीकॉम कंपनियों को बख्शने वाले. मतलब कानून का डंडा सभी के लिए होना चाहिए, मतलब सभी के लिए एक ही फैसला होना चाहिए. तो डीओटी को भी बख्शा नहीं जाएगा और यहां पे कंपनी को भी बख्शा नहीं जाएगा. दोस्तों यहां पे 203 जजेस की बेंच थी, जैसे कि मैंने बताया जस्टिस अरुण मिश्रा थे, उनके साथ साथ जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे और एम आर शाह थे जस्टिस. उन्होंने दोस्तों इस चीज को सुना और यहां पे क्लियर कर दिया कि 24 अक्टूबर को जो जजमेंट आया था वो एकदम सही था और उसके बाद आपने यह सेल्फ असेसमेंट किस तरह से यहां पे दे दिया. सारी की सारी कंपनी में दोस्तों 15 टेलीकॉम कंपनी थी जिसमें 1.43 लाख करोड़ यहां पे देना था. और सेल्फ असेसमेंट के नाम पे दोस्तों यहां पे बहुत सारी चीजों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेल्फ असेसमेंट के नाम पे इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 35,500 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय एयरटेल पे आता है और भारतीय एयरटेल का खुद का सेल्फ असेसमेंट 13,000 करोड़ बोलता है, 5,000 करोड़ उसने एक्स्ट्रा दिए हैं. और दूसरा अगर बात करें वोडाफोन आइडिया का तो ऑलमोस्ट 53 से लेकर 57,000 करोड़ समथिंग का डीओटी का फिगर बैठता है जो सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था. और यहां पे जब वोडाफोन आइडिया बोलता है तो बोलता है 21,000 करोड़ हमारा सेल्फ असेसमेंट यहां पे है. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, 100% समथिंग दोस्तों डबल यहां पे अमाउंट होती है. इस चीज को लेते हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा यहां पे की और आज का दोस्तों जो फैसला था बहुत ही बहुत खराब था और इसका इफेक्ट दोस्तों वोडाफोन आइडिया और यहां पे भारतीय इंफ्राटेल जो टावर बिजनेस में उस पर खास तक कि भारतीय एयरटेल पे भी दोस्तों में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है. उनके शेयर जो है खास से यहां पे टूटते हुए फिलहाल यहां पे नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स. वोडाफोन आइडिया की फिलहाल अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 23% वोडाफोन आइडिया का शेयर यहां पे टूट चुका है दोस्तों. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. हालांकि जो उनका पैकेज था बेलआउट पैकेज जो खास करके सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी कि 20 साल का टाइमिंग इन कंपनियों को दे दिया जाए वोडाफोन आइडिया को, उसके बारे में नेक्स्ट हियरिंग में बात होगी. लेकिन आज की हियरिंग में दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा बहुत ही गुस्से में थे और डेफिनेटली दोस्तों उन्होंने ऐसा लगा, उन्होंने फील किया कि यहां पे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है यहां पे. और सेल्फ असेसमेंट वाली चीज के बारे में उन्होंने बहुत खरी खोटी यहाँ पे सुनाई है डीओटी को, इसके साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज को. दोस्तों ये थी सबसे बड़ी अपडेट, अब आगे क्या होगा वो तो देखने वाली चीज है. लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की राहत वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को देखने को नहीं मिल रही. और एक चीज क्लियर कर दी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फिगर हमने बताई थी वही फिगर रहने वाली है. अब 20 साल का जो टर्म देंगे वो सारी चीज अब नेक्स्ट हियरिंग में बात होगी. नेक्स्ट हियरिंग कब होगी मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा. लेकिन फिलहाल दोस्तों वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार यहां पे टेलीकॉम कंपनीज के साथ साथ दोस्तों भारत सरकार डीओटी को भी यहां पे लगाई है. तो प्लीज दोस्तों मुझे बताइए कि आप इस न्यूज से कितने शॉक है और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया. डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने सही किया और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या होना चाहिए इन कंपनी के साथ, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना. और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्सअप तो दे ही देना, आपके भाई का चैनल है. इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा. पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए. उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे. उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना. उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग.